नमस्कार, मैं बॉबी झा, MLS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हिंगना में पूर्व पुलिस पाटिल पर जानलेवा हमला। नागपुर हिंगना क्षेत्र में पूर्व पुलिस पाटिल पर जानलेवा हमला। नागपुर हिंगना क्षेत्र में मकान की छत पर सो रहे पूर्व पुलिस पाटिल पर अज्ञात हमलावर ने डंडे से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। इनकी संख्या एक से अधिक बताई गई है। जब सुबह काफी देर बाद भी नामदेव नीचे नहीं उतरे तो परिजन छत पर उसे देखने गए। वह छत पर बेहोश पड़ा था। घटना सोमवार की रात शिवम डगा गांव का पूर्व पुलिस पाटिल नामदेव सालौटकर अपने घर की छत पर सो रहा था। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसके सिर पर डंडे से हमला कर जख्मी कर दिया। नामदेव रात भर जख्मी हालत में छत पर बेहोश पड़ा रहा। मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे तक जब वह छत से नीचे नहीं आया तब उसकी पत्नी वेनु सालौटकर उसे उठाने गई। उसके बाद नामदेव को घायल अवस्था में बेहोश देखकर बाकी परिजनों को बताया। उसके सिर पर कई जगह जख्मों के निशान देखकर परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसका उपचार शुरू है। घटना की जानकारी मिलने पर हिंगना थाने की पुलिस इसकी जानकारी में जुटी हुई है। पाइपलाइन फूटी, बहा हजारों लीटर पानी। नरसाला के मुख्य मार्ग पर शंकर नगर के समीप बिछी भूमिगत पाइपलाइन लीक होने के कारण पानी की बर्बादी हो रही है। मंगलवार की शाम करीब 4 बजे पाइप से तेज फोर्स में पानी बह रहा था। इससे परिसर में पानी फैल गया। नागरिकों ने लीकेज ठीक करवाने की मांग प्रशासन से की है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि शंकर नगर के समीप जलापूर्ति करने वाली भूमिगत पाइपलाइन बिछी हुई है। पाइपलाइन लीक होने के कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बह रहा था। मंगलवार की शाम यहां तेज धार में पानी बहता नजर आया। सड़क पर पानी जमा होने से नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही नरसाला मुख्य मार्ग में पाइपलाइन बिछाई गई है। इतने कम समय में पाइप फूट जाने से संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शहर के अनेक क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और इधर पानी व्यर्थ बह रहा है। प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ पानी बचाओ का संदेश देने वाले संबंधित विभाग की इस लापरवाही से लोगों में नाराजगी है। क्षेत्रवासियों ने पाइपलाइन की मरम्मत करवाने की मांग संबंधित विभाग से की है। खुला है ट्रांसफार्मर, यहाँ जान खतरे में है। प्रभाग अंतर्गत NTI कॉम्प्लेक्स उठखाना में लगा ट्रांसफार्मर खुला पड़ा है। इससे किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। इसे ढक्कन लगाने की मांग हो रही है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि NIT कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर खाली दुकान में ट्रांसफार्मर लगाया गया है। दुकान के सामने ही DP है, जिसके दरवाजे खुले रहते हैं। यह DP और ट्रांसफार्मर सालों से खुला हुआ है। इनको ढक्कन लगाकर रखने की मांग कई बार संबंधित विभाग से की गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ट्रांसफार्मर के पास लोग शौच के लिए आते हैं, वहीं पर कचरा भी फेंकते हैं। प्लास्टिक की पॉलिथीन व बासा भोजन पड़ा होने से वहां मवेशी भी विचरण करते हैं। खुली DP और ट्रांसफार्मर से उनकी जान को खतरा हो सकता है। अनहोनी डालने के लिए उन पर ढक्कन लगाकर रखने की मांग लोग कर रहे हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।